आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बेटे और पत्नी के खिलाफ भी यह वारंट जारी है। दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में वारंट जारी, 2 दिसंबर को मामले की सुनवाई। तो गैर जमानती वारंट यह जारी किया गया है ना सिर्फ आजम खान के खिलाफ बल्कि उनके बेटे और उनकी बीवी के खिलाफ, और अब 2 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है। बर्थ सर्टिफिकेट का यह पूरा मामला है, गलत जानकारी दी गई है बर्थ सर्टिफिकेट में, ये बात सामने आई थी और उसके बाद नोटिस देकर पूछा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद अब गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि इस पर अभी तक कोई जवाब आजम खान की फैमिली की ओर से नहीं पहुंचा था। तो 2 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब पुलिस किस तरीके से आजम खान के निवास तक पहुंचती है और क्या वाकई गैर जमानती वारंट जारी होने पर कोई गिरफ्तारी होती है, यह देखना दिलचस्प होगा।